बात करो, बच्चों के शिक्षा की बात करो, बीमारों के दवा की बात करो, किसानों की फसल की कीमत की बात करो, सैलाब ज्यादा लोगों के सैलाब के निदान की बात करो, इन मुद्दों को उठाकर हम लोग बात कर रहे हैं। हमारा कुछ आदमी बिक गया, जिनको निज स्वार्थ था वो बिक गया, और जिनको सीमांचल का स्वार्थ है वो खड़ा है। मैं चाहता उनसे ज्यादा कीमत पर बिकता, मैं बिकता ही नहीं बल्कि उन चारों को मैं बेच लेता, जैसी बात है सर, है ना जी। लेकिन मैंने वो कदम नहीं उठाया, क्यों? मैं समझता हूँ कि मेरे दौलत क्या करेगा। मैं समझता हूँ कि आज मैंने जो संघर्ष शुरू किया है, आज नहीं 10 साल 20 साल 25 साल बाद यही संघर्ष इस क्षेत्र को इंसाफ दिला सकता है। कि जब तक हमारी अपनी राजनीतिक बोल नहीं होगी, हम दे जाएंगे जनता का वोट, अब वहां बोलेगा दिल्ली और पटना से के, तुम बोल तो बोल, चुप तो चुप, उनकी बात। मैं जनता का वोट लेके जाऊंगा, जनता की बात करूंगा, किसी के बाप की मजाक नहीं है कि हमको असेंबली पार्ट कर दो। हमारे नेता को पार्लियामेंट में कोई नहीं रोक सकता, असेंबली में हमको नहीं रोक सकता। अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के सामने मैं कहा ना जी, आपके तो लोगों का भला हो गया, हमारा भला कब होगा? आपने ये मुद्दा उठाया अभी था बेटा, ये बात सबके बोलने का बस का रोक नहीं है। वहां तो बोलने तक नहीं दिया यार, अभी गया है ना, देखेंगे ना कितनी कोचर हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें तो वही लोग चाह रहे हैं कि अब उठाए मुद्दा, इतने इनसे सवाल तो पूछेंगे आप। बड़ी खुशी भी आप लोग आए, स्वागत आपका। बेटियों अपने गाँव में शराब मत चलिए, शराब मत चलिए। मैं सरकार के इस फैसले को अच्छा समझता हूँ। देखो आप लोगों को अगर ऊपर उठना है इन चीजों से, वो जानते हो एक अगली जाति का आदमी था, मंत्री था, ट्रेन में आ रहा था, मैंने यही कह रहे ये काम कमर में अच्छा किया, बोला विधायक जी ये तो थोड़ा सा पीने नहीं दीजिए, ये सब पिएगा तभी ना रहेगा, पढ़ लिख लेगा तो हम लोग सब बैठेगा। सोच देखो उसकी, तो तुमको नीचे रखने के लिए शराब तुम जो समझते हो, शराब तुम्हारा कल्चर ऐसा नहीं है जी, तुम लोग बना लेते हो कि नहीं हमारा तो छोटे से बचपन से पीते थे, अरे वो नहीं जानता था, जगन वाले में था, कपड़े नहीं पहनता था, बैलगाड़ी पहले चलता था, बैलगाड़ी में अभी हो गया बैलगाड़ी में चलेंगे तो मेरे हाथ में कार्य कहीं नहीं लगेगा तुमको, पुण्य से तीन दिन में आओगे। समय बदलता है, सोच बदलनी चाहिए, राजनीति जो हमारा सोच है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए बाबू अपने समाज को साक्षर करो, और इन चीजों से आज सिर्फ तुम अपने समाज को शराब से बचा लिए तो देखोगे तुम्हारे समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं होता। लेकिन जब मेरे साथ चलोगे तुम्हारे कान में कुछ साफ सीखा गया मिल जाएगा, वही सब करेगा। मैंने सर तुम जानो मंदिर और मस्जिद मुल्ला का काम है, पुजारी का काम है, मेरे रोटी का मसला है ना, जीएसटी बढ़ा दिया, कितने लोग रोजगार चले गए, तुम्हारे बच्चे पढ़ पा रहे, लोग पता सरकार पोशाक दे रही है, ये दे रही है। अरे सोचा बेवकूफ, आज से 15 साल पहले जमीन की रजिस्ट्री में 1 बीघा जमीन की रजिस्ट्री में 3,000 खर्चा होता था, आज हो रहा 40,000 जमीन का लगान लगता था 10 रुपया, आज लगता है 150 रुपया, दवा की कीमत थी 1 रुपया, वो दवा हो गई 15 रुपया, कीमत अभी 500 रुपया कुंटल 1 महीने में बढ़ गई। सारी चीज देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, है ना? ट्रेन का किराया क्या था, क्या से क्या हो गया, आप ही का खून निकाल करके अब थोड़ा सा हिस्सा लेता है आपका, आप बोलते हैं छीना आपसे 100 रुपए, आपको 25 रुपया दे रहा है, बहुत कुछ बड़ी, इसको कुछ मत दो, इनको जो मिला उसी को काटो फिर दो, बिजली काटो फिर बिजली दो, पानी रोको फिर पानी दो, है ना, नया कुछ नहीं दो, जो मिला हुआ है उसी को रोको, उसी को बढ़ा दो, खुश हो जाएगा, है ना। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, है ना। और देखो कि हमने कहा था गलित मर गया था, वहां तुम्हारा पैरागार में टीचर, मैंने कहा था कुत्ते को जो तुम्हारा मंत्री का बाग में टहलाएगा वो सरकारी चाकर, आज जो टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाएगा सरकारी चाकर नहीं बन पाएगा वो, तो इन चीजों को बाबू पूरी रीतियों से उठो। अभी देखो मेरी बेटी की शादी हुई, हमको कितना बड़ा भोज करना था, एक बकरी काटा, खाला फूफी को बुलाया, दामाद कर रहता ऑस्ट्रेलिया में रहता, मैं लाखों को मैदा कमाता, एक अंगूठी भी जज में नहीं दिया, आप बोलो शादी किया ढोल बजाना पड़ेगा, साला बोलो बर्बाद हो जाओ, खड़े जगह बर्बाद हो जाओ, जिंदगी जीना है, काम करना है, आपके समाज को बहुत ऊपर उठना है। आज भी समाज को इज्जत नहीं मिल रही तुम्हारे, तुम्हारे बिरादरी में जितने लोग दवा के बगैर मर जाते हैं, आज भी कुपोषण का शिकार है, किसी प्रशासन के बदल में जा रहे कितने में कपड़े नहीं है, एक अच्छा सा घर नहीं है,
पीने का साफ पानी नहीं है, खून करेगा इसको तब देखिए आप लोग उठो। तो चलिए आपकी दो बात रखिए, जो उनके नेताजी का दो बात वो करो, ये खड़े हो ये शामिल हो रहे हैं आप, बात रखिए मोबाइल मोबाइल। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक।